हेलो स्टूडेंट्स आई एम अमरजीत सोनी फ्रॉम की स्टोन जीत प्रीवियस जो वीडियो हमने देखा वो था कि व्हाट अबाउट द आयु क्यूम आई क्यूम ओलम्पियाड है क्या इसके स्टेजेस क्या हैं और फॉर्म फिलिंग जो है टेंथ जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है आज हम समझेंगे कि जो ये फॉर्म है इसको हम किस तरीके से फिल करेंगे तो सबसे पहले हमें जो है वेबसाइट पर जाना है डेट इज़ एम हम जब वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक पेज ओपन होकर आता है जहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फ़ॉर आईओ क्यू एम इज़ नाउ ओपन आपको यहाँ पर क्लिक करना है ओके आपने इस पेज पर क्लिक किया तो एक पोर्टल पन, ओपन ओपन होके आ जाएगा नाउ इंडिविजुअल स्टूडेंट रे, रजिस्ट्रेशन फॉर आईओ क्यूएम यहाँ पर आपको क्लिक करना है के जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक अगेन पोर्टल ओपन होगा जहाँ पर लॉग इन रजिस्टर है फर्स्ट आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है आप जब रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो बेसिक इन्फो आपसे रिक्वायर्ड होगी रिलेटेड टू योर नेम नेम देन मिडिल नेम लास्ट नेम योर डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ इम्पॉर्टेंट है सो so आप अपने जो आधार कार्ड में है जो आपकी क्लास टेंथ की मार्कशीट में है या जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट में उसको ही फिल करना है देन योर प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल नंबर एंड ई मेल आई डी देन उसके बाद आप मोबाइल नंबर और ई मेल आई डी को कन्फर्म करते हैं जब आप कंप्लीट डेटा फिल कर लेंगे देन आपके पास ऑप्शन आएगा जनरेट ओ टी पी तो आप जनरेट ओ टी पी पर क्लिक करेंगे जो कि आपके मोबाइल नंबर और ई मेल आई डी पर आएगा तो आपको अपने मोबाइल नंबर को ओ टी पी डालना है देन आपकी ई मेल आई डी का ओ टी पी देन आपको जो है इस पर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है जब आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे कि आपको ये पहले आई क्यूम के बारे में कहाँ से पता चला ओके okay? एंड आपको जो है इसमें इंटरेस्ट कैसे आया सो so ये दो ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे जो भी आपका सोर्स ऑफ नॉलेज हो देन आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे यहाँ पोर्टल पर होटल पे. और रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा रजिस्ट्रेशन नंबर आपने जो मोबाइल नंबर शेयर किया है उस मोबाइल नंबर पर एम करके आपको न्यूमेरिक वैल्यू होगी जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है एंड आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये दोनों ही आपके यूजर आई एंड पासवर्ड के तरीके वर्क करेंगे जब आप लॉग इन कर लेंगे आपको एक इंस्ट्रक्शन का पेज आएगा जहां पर आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ आपका आईडी की अगर हम बात करते स्कूल आईडी, लेटेस्ट स्कूल फीस पेड रिसिप्ट और लास्ट ईयर रिपोर्ट कार्ड के ये आपके आईडी के लिए होगा देन कोई एक आधार कार्ड पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट ये कॉपीज आपको स्कैन करके अपने सिस्टम में रख लेनी है एंड उनका साइज जो होगा लाइक फोटोग्राफ का टेन टू हंड्रेड के बी और जो रेस्ट टू डॉक्यूमेंट्स है उनका फिफ्टी से टू फिफ्टी के बी के बीच में ही साइज होगा सो डेट ये आपको अपने सेव करके पीसी में रख लेना है पहले से ही नाउ विल गो फॉर द प्रोसीड के प्रोसीड फादर एप्लीकेशन पेज यहाँ पर जो आपने डिटेल्स ऑलरेडी पहले फिल करी हुई हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होंगी ऑलरेडी ओके इसके अलावा की डिटेल्स आपको मैंशन करनी है लाइक like आपका आई डी आई डी में हम बात करते हैं आपका स्कूल आई डी है या वॉट एवर देन आई डी नंबर योर जेंडर फादर्स नेम मदर्स नेम और गार्जियन नेम देन नेशनलिटी एंड स्कूल डिटेल्स जब आप स्कूल डिटेल्स पर आएंगे तो फर्स्ट जो आपको कॉलम फिल करना है रिलेटेड टू स्कूल टाइप आपका के वी है जे एन वी है या अदर है देन आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है देन क्लास अगर आपका स्कूल नेम इस लिस्ट में नहीं है देन यू नीड टू फिल योर स्कूल नेम देन स्कूल एड्रेस जो आपके स्कूल का एड्रेस है देन स्कूल पिन कोड स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्कूल स्टेट रीजन बिलोंग टू एंड योर बोर्ड सी बी एस ई बोर्ड है आईसीएससी आई ए बी और स्टेट बोर्ड है अदर बोर्ड में देन मीडियम आपको जो भी इंफॉर्मेशन फिल करनी है वो एक्ूरेट करनी है को भी आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो इसमें ना विल गो फॉर द एड्रेस सेक्शन एड्रेस में आपके पास परमानेंट एंड करेंट एड्रेस होगा परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस अगर आपका डिफरेंट है तो दोनों कॉलम फिल करने हैं एल्स परमानेंट में ही आपको ऑप्शन दिया होगा कि सेम एज है तो सेम एज पे क्लिक कर देना है नाउ एड्रेस आपने फिल कर लिया देन आपसे ऑप्शन आएगा ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर एंड ऑल्टरनेट ई मेल आपने जो मोबाइल नंबर एंड ई मेल दी है उसके अलावा आपसे दूसरा ई मेल एंड मोबाइल नंबर भी लिया जाएगा जब हम इसे फिल कर लेंगे देन हमारे पास ऑप्शन आएगा सब्जेक्ट सेलेक्शन मीन्स आई का जो एग्ज़ाम है कि उसकी लैंग्वेज लैंग्वेज में आपका जो लैंग्वेज हो लाइक like इंग्लिश आप फिल कर सकते हैं या वॉट एवर लैंग्वेज वंस ये हम फिल कर लेंगे देन विल गो फॉर द प्रोसीड प्रोसीड में हमारे पास एक प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा जहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन हमने अगर कहीं पे मिस्टेक की है तो उसको हम वहाँ पर एडिट ऑप्शन में जाके एडिट कर सकते हैं अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपने गो थ्री है गो थ्रू कर ली है और ये कंप्लीट ओके okay है देन आप सबमिट पर क्लिक करेंगे सबमिट पर क्लिक करने पे आपके पास आएगा ऑप्शन अपलोड डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स में जैसा मैंने आपको पहले बताया जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके साइज के अकॉर्डिंग आपने अपने पी में सेव करके रखा है देन फर्स्ट आप बात करोगे तो आपकी फोटोग्राफ आप यहाँ चूज़ फाइल पर जाओगे और उसे अपलोड कर दोगे देन योर स्कूल आई आप उसे चूज करोगे एंड अपलोड कर दोगे देन योर आधार कार्ड पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट आप चूज़ करेंगे एंड अपलोड कर देंगे जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाए देन आप सबमिट पर क्लिक करेंगे सो so डैट कि ये आपका जो डॉक्यूमेंट्स है ये सारे वहाँ पे अपलोड हो जाएँ और आपका जो फॉर्म है यहाँ तक के स्टेप तक का कंप्लीट फिल हो जाए अब हमारे पास ऑप्शन आता है सेंटर डिटेल्स का सेंटर डिटेल्स में अगर आपकी सिटी में सेंटर अवेलेबल होगा तो वो आपको ऑप्शन में शो कर देगा अगर सेंटर्स फिल हो चुके हैं ऑलरेडी देन आपके पास ऑप्शन आएगा थ्री सिटीज ऑप्शन में आपको फिल करके देनी है लाइक सेंटर रेफरेंस में फर्स्ट आपको क्या करना है आप किस स्टेट में हैं ओके okay, और आप किस सिटी में आपको वो प्रिफर करना लाइक like जो एग्जांपल मैं यहाँ का बताऊँगा आपको ये स्टूडेंट अहमदाबाद बेस है तो इसने स्टेट गुजरात रखा एंड फर्स्ट सिटी प्रेफरेंस अहमदाबाद नाउ अब स्टूडेंट का जो सेकंड प्रेफरेंस है वो गुजरात स्टेट फिल करता है एंड नाउ गांधीनगर बिकॉज ये स्टूडेंट अहमदाबाद बेस है थर्ड प्रेफरेंस स्टेट गुजरात एंड नियर बाय खेड़ा तो ये तीन ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको हमें प्रोसीड कर देना है जब हम प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्रीव्यू में ऑप्शन दिखेगा कि हमने क्या क्या ऑप्शन लिए हैं देन वी सेलेक्ट द डिक्लेरेशन एंड विल सबमिट द फॉर्म आफ्टर सबमिशन दिस ऑप्शन हमारे पास एक पोर्टल ओपन होके आएगा जहां पर हमारी फॉर्म फीस लिखी है टू फोर्टी रुपीज बिकॉज ये अदर स्कूल का स्टूडेंट है देन विल गो फॉर द प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन जब आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं देन आपके पास ऑप्शन आता है डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग फॉर्म आप कंप्लीट करते हैं Then, आपको एक reference page आता है जो कि एप्लीकेशन कॉपी जैसा रहता है उसमें पूरी डिटेल आपकी फिल होगी उसे आपको संभाल कर रखना है ओके okay? एंड कोई भी आपको क्वायरी आती है रिलेटेड टू फॉर्म फिलिंग और आईओपीएम से रिलेटेड फील फ्री टू रीच की स्टोन जीट सेंटर थैंक यू थैंक यू ऑल